के पालिका प्रशासन को मालूम हुआ कि कुछ प्रवासी लोग हैं जो यहाँ फंसे हुए हैं और उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं है उनके पास में, तो पालिका प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने इसका मिलकर संज्ञान लिया और दोनों ने मिलकर यहाँ पर जो है उनके खाद्यान्न की व्यवस्था भी कराई ताकि ये लोग भुखमरी के शिकार ना हो। ये लोग कहाँ से आए हैं और कितनी संख्या में? अब ये तो दर्शक क्या कि प्रवासी हैं, कहीं बाहर खाने कमाने के लिए गए थे और वहाँ इनके मालिक ने इनको जो है निकाल दिया। ये जैसे भी है ये लोग टहलते भटकते यहाँ तक पहुँचे हैं ये, और जैसे ही पालिका प्रशासन मालूम हुआ तो इसका संज्ञान लिया गया, क्योंकि इनका यहाँ ना घर है ना कोई इनका अपना है और इनके जो भी है इनके हम ही हैं। ऐसे क्या था मामला, ये लोग कैसे आए थे? यहाँ दुर्गा जी के मंदिर के पास सैकड़ों की संख्या में बाहरी मजदूर जो गरीब हैं ये आकर के किसी तरीके से यहाँ फंस गए थे। इसकी जानकारी नगर पालिका प्रशासन को हुई, पालिका अध्यक्ष गुलाबदास मौर्या भी यहाँ पर आए और इनके मामले को संज्ञान में लिए। चूँकि कोरोना वायरस चल रहा है और पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है, इसके चलते इन जो गरीब यहाँ फंसे मजदूर हैं इनको खाने का नहीं था, तो इनके लिए प्रशासनिक अमला द्वारा यहाँ उन्हें राशन का व्यवस्था कराया गया है। आज शनिवार की सुबह CEO हितेन कृष्ण, थाना अध्यक्ष राजेश जी चौबे, चौकी प्रभारी संजय सिंह और पालिका अध्यक्ष गुलाबदास मौर्या, EO विनय तिवारी और नगर पालिका के JE सुशील मोहन निगम और सभासद कुमार आनंद और अन्य कर्मचारी यहाँ मौजूद हुए हैं और सभी जितने यहाँ गरीब तबके के जितने भी यहाँ पर लोग थे जिन्हें खाने को नहीं था उन्हें खाना मुहैया कराया गया है। कल भी खाना मुहैया कराया जाएगा। वहीं प्रशासन से ये भी दरख्वास्त की गई है कि ये मजदूर गरीब जिस राज्य के रहने वाले हैं, जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं, वहाँ इन्हें इनके घर भिजवाने की भी व्यवस्था कराई जाएगी। यहाँ सिनेमा हॉल के पास भी कुछ चित्रकूट से मजदूर आकर के फंसे हुए हैं, उन्हें भी प्रशासन से अपील किया गया है कि उन्हें घर भिजवाया जाए और वहाँ पर भी राशन का भी उन्हें व्यवस्था कराया गया है। अब ये भुखमरी के शिकार नहीं होंगे। क्षेत्र के ऐसे नयाने कितने गाँव हैं जहाँ पर लॉकडाउन होने की वजह से खाद्यान्न नहीं पहुँच पा रहा है, वो गरीब जो रोज़ कुआं खोदते थे, रोज़ पानी पीते थे, उन्हें पैसा नहीं उनके पास, लेकिन सरकार से प्रशासन से ये लगातार संदेश दिया जा रहा है और बतलाया जा रहा है कि इन क्षेत्रों में गरीब के घर खाने को नहीं है। सामाजिक जो तबके के लोग हैं उनसे भी अपील की जा रही है कि आप लोग सावधानीपूर्वक उन गरीबों के अन्न का व्यवस्था कराएँ, जिससे भूखे कोई हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे नगर में कोई व्यक्ति वंचित ना रह पाए।